मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को बगावत का डर सताने लगा है। कई सीटों पर बगावत और नाराजगी झेल रही कांग्रेस पार्टी इसी डर की वजह से बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस ने बुधवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी करते हुए 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस ने सुमावली, पिपरिया, जावरा और बड़नगर सीट पर पहले घोषित उम्मीदवारों को हटाकर नए प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारा है। कांग्रेस ने इन 4 सीटों पर पहले लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे उनमें सुमावली सीट पर पहले कुलदीप सिकरवार को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब उनकी जगह अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। पिपरिया एससी सीट पर गुरुचरण खरे का टिकट काटकर उनकी जगह वीरेंद्र बेलवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बड़नगर सीट पर पार्टी ने अब मुरली मोरवाल को उतारने का फैसला किया है। इस सीट पर पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया था। जावरा सीट पर हिम्मत श्रीमल का टिकट काटकर वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। क्यों बदलाव को मजबूर हुई कांग्रेस? दरअसल इन सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से पार्टी को अपनों की नाराजगी और बगावत का सामना करना पड़ रहा था। छिंदवाड़ा से आने वाले गुरुचरण खरे को पिपरिया से उतारते ही उनका विरोध शुरू हो गया था। वहीं सुमावली से कांग्रेस नेता अजब सिंह कुशवाहा टिकट कटने से इतने नाराज थे कि उन्होंने बसपा में शामिल होने का ऐलान तक कर दिया था। कुशवाहा की नाराजगी कांग्रेस के लिए कहीं मुसीबत ना खड़ी कर दे तो पार्टी ने उन्हें अब टिकट दे दिया है। इसके अलावा कांग्रेस नाराज नेताओं को मनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने इससे पहले 3 बार में प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए थे। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी।